अरे मैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। ओके देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। सरकार को तुमसे मेडल की कोई उम्मीद नहीं, जीत पाओगे। दोस्तों 350 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां और 150 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म मैदान आज 7 दिन पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। और दोस्तों इन 7 दिनों में इन फिल्मों ने इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है, फ्लॉप हुई है या फिर हुई है एवरेज, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की इस मच अवेटेड फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस साल कल्कि 2898 एडी और पुष्पा में कौन सी फिल्म हाईएस्ट ग्रोसर बनेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको सुपरस्टार अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। और दोस्तों उनकी एक्टिंग फिल्म में जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों बता दें आपको कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है मैदान, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको सुपरस्टार अजय देवगन के साथ साथ प्रियामणि और गजराज राव नजर आए थे। बोनी कपूर द्वारा बनाई गई दोस्तों इस फिल्म पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसे कि पिछले 4 सालों से पोस्टपोन किया जा रहा था। और दोस्तों फाइनली अब ये फिल्म इस ईद के मौके पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की गई। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में अपने पहले दिन तो पेड प्रीव्यूज को मिलाकर 7 करोड़ 25 लाख रुपए की ओपनिंग मिली, लेकिन दोस्तों ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज काफी अच्छे मिले। सुपरस्टार अजय देवगन की एक्टिंग और उनके परफॉर्मेंस की खूब तारीफें हुई, लेकिन दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उन तारीफों को कन्वर्ट नहीं कर पाई। और दोस्तों इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शंस थे वो मात्र 2 करोड़ 85 लाख रुपए के रहे। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने ग्रोथ जरूर दिखाई और कमाए 5 करोड़ रुपए। दोस्तों बताते चले आपको कि 4 दिनों के वीकेंड में इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 22 करोड़ रुपए कमा लिए थे, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 33 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के विगडेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने विगडेज में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ट्रेंड करती हुई नजर नहीं आ रही है। अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से मिल रहे कॉम्पिटिशन और काफी कम स्क्रीन पर चलने के बाद इस फिल्म के जो कलेक्शन वो अपने 5वें दिन के 1 करोड़ 80 लाख रुपए के रहे। तो वही दोस्तों कल इस फिल्म ने अपने 6ठे दिन 2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया है। आज इस फिल्म का दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 7वां दिन है और दोस्तों आज के साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता खत्म कर रही है। आज के कलेक्शंस दोस्तों इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि मैदान को 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल में तो एक फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही थी। जिस दिन दोस्तों इस फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें आपको अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, उस दिन से ही दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्म साबित होगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इस फिल्म की रिलीज डेट पास आती गई, वैसे वैसे दोस्तों इस फिल्म का जो बज है वो कम होता गया। बताते चले दोस्तों आपको कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए का है। प्रोड्यूस की है इस फिल्म को पूजा एंटरटेनमेंट ने और लीड रोल में आपको इस फिल्म में नजर आए हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन और मानुषी चिल्लर। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 3500 स्क्रीन पर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाली बड़े मियां छोटे मियां को अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ओपनिंग मिली। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने
36 करोड़ रुपए दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमाए। लेकिन दोस्तों अपने दूसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला और इस फिल्म ने इंडिया से जहां अपने दूसरे दिन 7.5 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। यानी कि दोस्तों इंडिया से ज्यादा बेटर कमाई ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में कर रही थी। यही वजह है कि इस फिल्म ने दोस्तों 4 ही दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 44 करोड़ और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 97 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के विगडेज के कलेक्शंस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने 5वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में भी काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला और इस फिल्म ने जहां अपने 5वें दिन कमाए 2.85 करोड़ रुपए तो वहीं दोस्तों कल अपने 6ठे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों आज अपने 7वें दिन के साथ ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 115 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज टच कर रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों आज अपने 7वें दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4.70 करोड़ रुपए तक की कमाई कर रही है, जिसमें दोस्तों इंडिया से इस फिल्म के कलेक्शंस आज 2.30 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल में तो एक फ्लॉप ट्रेंड कर रही है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म मैदान से बेटर कमाई करने में कामयाब रही है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इंडियन सिनेमा के सबसे मच एवेटेड और बिग बजट फिल्म कल्कि 2898 एडी के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सबसे महंगी फिल्मों में से एक है और दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और भी कई सारे एक्ट्रेस नजर आने वाले हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि लगभग 650 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली ये पैन इंडिया फिल्म कल्कि 2898 एडी जिसका इंतजार हम सभी को काफी बेसब्री से है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में जो टेक्नोलॉजी और जो सब्जेक्ट हमें दिखाया जाएगा वो दोस्तों इंडियन सिनेमा में पहली बार होगा और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो काफी ज्यादा है। इस फिल्म का टीजर ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 मई को रिलीज किया जाना है, लेकिन दोस्तों अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म की जो रिलीज डेट है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी तक इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से यह ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया गया है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आगे पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनिल ठड़ा ने जिनकी AA फिल्म्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली, पुष्पा, KGF, कांतारा और हनुमान जैसी फिल्मों को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, इसने दोस्तों आप कल की 2898 एडी के भी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में ले लिए हैं और दोस्तों आप कल की 2898 एडी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। अनिल ठडानी ने दोस्तों जब भी किसी पैन इंडिया फिल्म के राइट्स हिंदी में लिए हैं उन फिल्मों को दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग मिली है और दोस्तों यहां पर कल की 2898 एडी का तो जो बज है वो भी ऑलरेडी हाई है और अनिल ठडानी के जुड़ने से दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अब वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगर 10 मई को रिलीज होती है तो इस फिल्म के सामने 2 से 3 चैलेंजेस रहेंगे, जिसमें दोस्तों ये फिल्म आईपीएल के फीवर से कम कलेक्शन कर पाएगी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास और दीपिका की जोड़ी पहली बार नजर आने वाली है तो वहीं दोस्तों विलन के तौर पर इस फिल्म में कमल हसन नजर आने वाले हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन किसी भी हालत में 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग तो सिर्फ इंडिया से और लगभग 150 से 180 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से करने वाली है। देखना यही है दोस्तों कि क्या यह फिल्म हिंदी में भी अपने पहले दिन सलार और साहो की तरह 25 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग ले पाती है या नहीं। आपको दोस्तों क्या लगता है कि प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की बिगेस्ट ग्रोसर बनेगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इसी तरह से बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़े बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।